हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस फॉर 26th of September 2023। तो शुरू करते हैं आज की एडिटोरियल एनालिसिस। सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से हम ये एनालिसिस करते हैं उसका मेन पर्पज ये है कि आपको ये समझ आए कि एक्चुअली न्यूज़पेपर्स में पढ़ना क्या होता है, क्योंकि आर्टिकल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन उसमें से पढ़ने लायक या इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो काफ़ी कम होता है, और उसी को हम हाईलाइट करते हैं, उसी को आपको पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से पढ़ाने से आपको आइडिया लगेगा कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एडिटोरियल इज एक्सपर्टीज ओवर पॉलिटिक्स, लिटिगेशन ओवर वाटर कैन बी अवॉइडेड ओनली विद फिक्स डिस्ट्रेस शेयरिंग नॉर्म्स। तो ये जो कावेरी रिवर का जो वाटर शेयरिंग के रिगार्डिंग जो स्ट्रेस ईयर में जो इशू आ रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो पहुंच गया था मुद्दा, उसके रिगार्डिंग ये है। आज ये दो आर्टिकल इसके आए हैं, तो इसमें यही बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट हैज राइटली चोजन टू डेफर टू द विजडम ऑफ एन एक्सपर्ट बॉडी दैट इज बेटर प्लेस टू अपोर्शन द अवेलेबल वाटर इन अ रेनफॉल डेफिसिट ईयर। कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी थी, ठीक है ना, जो CWMA ने उसने डायरेक्ट किया था कर्नाटक को कि 5000 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर जो है पर सेकेंड क्यूसेक्स जो है वो रिलीज करना है तमिलनाडु को 27th September तक, क्योंकि 27th September जो है वो कल हो जाएगा तो वो एंड पे आने वाला है, तो इसलिए फिर से जो है दोबारा से उसको देखना पड़ेगा। तो क्योंकि 15 दिन का पीरियड जो है जो करंट CWMA ने ऑर्डर किया था वो 27th September को एंड हो रहा है। एंड द अथॉरिटी असिस्टिंग बॉडी द कावेरी वाटर रेगुलेशन कमिटी इज शेड्यूल टू मीट ऑन 26th September टू कंसिडर द सिचुएशन अफ्रेश। तो आज जो है वो फिर से मिलेगी और सिचुएशन को फिर से जो है वो देखी जाएगी। तो ओथ ने बोला कि नॉर्मल ईयर्स में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि नॉर्मल ईयर में तो क्योंकि अपर स्टेट से नीचे की तरफ वाटर आता ही है, लेकिन जो डेफिसिट ईयर रहता है द स्टेट्स इन्वॉल्व्ड फील दैट द कोर्ट विल पास फेवरेबल ऑर्डर्स इवन इफ द CWMA डज नॉट। तो वही है कि दोनों जो भी स्टेट्स हैं वो यही सोचते हैं कि जो अगर CWMA कुछ नहीं कर पाता है तो कोर्ट जो है वो एक फेवरेबल ऑर्डर जो है वो पास कर दे। तो दिस काइंड ऑफ ईयरली एडजुडिकेशन एंड सीजनल लिटिगेशन शुड नॉट बिकम द नॉर्म। तो ऑथर ये कह रहा है कि इस तरह का जो आपको हर साल जो है एडजुडिकेशन या सीजनल लिटिगेशन आपको जाना पड़ता है उसको नॉर्म नहीं बनाना चाहिए, इससे बेटर ही होना चाहिए कि CWMA जो है शुड यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी टू कम अप विद अ परमानेंट फार्मूला ऑन हाउ टू असेस डेफिसिट इन अ गिवन ईयर। तो परमानेंट एक फार्मूला बना लेना चाहिए कि आप जो किसी भी साल में जो डेफिसिट है उसको असेस कर पाएं, और जो एक मतलब डिस्ट्रेस ईयर में जो शेयरिंग फार्मूला है वो तैयार कर पाएं। इवन ऑन द मैनर ऑफ असेसमेंट ऑफ द डेफिसिट द टू स्टेट्स हैव डाइवर्ज। अब असेसमेंट पे भी दोनों स्टेट्स के अलग अलग व्यू हैं। तो इट इज नाउ अप टू द CWMA एंड द CWRC इन गैदरिंग डेटा ऑन रेनफॉल इनफ्लोज एंड स्टोरेज टू इवॉल्व एन एक्सेप्टेबल फार्मूला टू अपोर्शन द शॉर्टफॉल इन इक्विटेबल वे। एक इक्विटेबल वे में जो है वाटर को जो है दोनों स्टेट्स के बीच में जो है बांटा जा सके, तो इस तरह का एक परमानेंट जो एक्सेप्टेबल फार्मूला जो है वो तैयार करने की जरूरत है जो डेफिसिट ईयर्स में भी काम आ सके। वॉर इन द कोकेसस अजरबैजान शुड रेस्पेक्ट द ऑटोनॉमी ऑफ द आर्मेनियन पॉपुलेशन। तो जो अजरबैजान ने जो कोर्नो नगोर्नो काराबाख रीजन है उसको जो कंट्रोल कर लिया है, तो आपको ये याद रखना है कि जो नगोर्नो काराबाख रीजन है वो अजरबैजान में आता है, ठीक है ना, लेकिन उसमें आर्मेनिया की काफी पॉपुलेशन रहती थी। और जो इट शोज अ चेंजिंग पावर डायनेमिक्स, कोकेशस रीजन में आता है जहाँ पे अमेरिकन रशिया टर्किश इंटरेस्ट जो है वो कोलाइड करते हैं, ठीक है ना, कोकेशस रीजन में। तो जो हिस्ट्री अगर हिस्टोरिकल उससे देखें तो जो नगोर्नो काराबाख रीजन है वाज देन रन बाय द आर्मेनियन सेपरेटिस्ट, ये सोवियत यूनियन वाले टाइम की बात है, तो उस टाइम पे आर्मेनियन सेपरेटिस्ट इसको जो है रन करते थे और बैक्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया अंटिल रिसेंटली अभी तक। लेकिन 2020 में क्या हुआ, अजरबैजान बैक्ड बाय टर्की फोर्ट आर्मेनिया अ रशियन ट्रीटी एलाय एंड कैप्चर्ड मच ऑफ द नगोर्नो काराबाख रीजन। तो 2020 में अजरबैजान ने काफी ज्यादा जो एरिया था वो जो है कब्जा लिया था उसने टर्की की मदद से, और जो आर्मेनिया था उसको रशिया का सपोर्ट मिला था। लेकिन अभी जो है रशिया क्योंकि एंगेज है यूक्रेन के साथ उसमें दूसरे फ्रंट पे, तो इसलिए जो उसको इस बार सपोर्ट नहीं मिला, और जो अजरबैजान है उसने पूरी तरह से उसको कंट्रोल में ले लिया है। तो बाकू आपको याद रखना है अजरबैजान का कैपिटल है, ठीक है ना। टू मेजर जियो पोलिटिकल शिफ्ट सीम टू हैव हेल्प्ड बाकू, और इसमें दो मेजर चेंज जो 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 इसकी सक्सेस है अजरबैजान की, उसके लिए दो मेजर रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या क्या था। पहला यह है कि टर्की कीन टू प्ले अ बिगर रोल इन द कोकेसस रीजन, द फॉर्मर पेरिफेरी ऑफ द ऑटोमन टर्क्स थ्रू इट्स वेट बिहाइंड अजरबैजान विद पॉलिटिकल एंड मिलिट्री सपोर्ट। दोनों तरह का पॉलिटिकल मिलिट्री सपोर्ट तुर्की ने जो है प्रोवाइड किया। दूसरा रशिया, रशिया यूक्रेन इन्वेजन की वजह से चलते हुए जो है मॉस्को ने जो वेस्टर्न फ्रंट है उस पर वो अपना उसी में एस्टेब्लिश एंगेज रहा, और जो रशियन पावर का जो कोकेशन रीजन में वो इरोजन हुआ जिसकी वजह से जो रशिया उसको सपोर्ट नहीं कर पाया। तो आर्मेनिया ने भी डिस्प्लेजर दिखाया है कि भाई रशिया ने जो उसको एक्शन नहीं लिया या सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया है। तो ये दोनों कारण रहे थे अजरबैजान के लिए। लेकिन ये जरूर रहेगा
दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी टू इंटीग्रेट नगोर्नो काराबाख विदाउट फर्दर ब्लडशेड। लेकिन उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि जो नगोर्नो काराबाख रीजन उसको अपने अंदर इंटीग्रेट कर ले विदाउट एनी फर्दर ब्लडशेड। और ये कैसे हो सकता है, जो बाकू है उसको एंश्योर करना पड़ेगा कि जो इक्वल राइट्स हैं आर्मेनियन पॉपुलेशन के उनको रेस्पेक्ट मिले और उनकी ऑटोनॉमी को भी जो है रेस्पेक्ट किया जाए। इफ नॉट अजरबैजान कुड फेस प्रोलॉन्ग्ड लोकल रेजिस्टेंस विच कुड नॉट ओनली डिनाई इट अ क्लीन विक्ट्री बट ऑल्सो टर्न इट्स क्वेस्ट टू कंट्रोल द एन्क्लेव अगली। वही बात है कि अजरबैजान को इन सारे इशूज को जो है एड्रेस करना पड़ेगा, उनको इक्वालिटी देनी पड़ेगी, उनकी ऑटोनॉमी को जो है और उनके जो इशूज है उनको इक्वल फुटिंग पे रख के जो है उनको देखना पड़ेगा ताकि जो लोकल रेजिस्टेंस है वो प्रोलॉन्ग ना रहे और जो ये क्लीन विक्ट्री जो है ये एक लगे, ये क्लीन विक्ट्री है, मतलब उनके राइट्स जो है वो एड्रेस किए गए हैं। ठीक है, G20 डिप्लोमेसी एंड शिफ्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे जो ऑथर है हमारे वो M.K. नारायणन जी हैं। तो उन्होंने ये बताया कि G20 की सक्सेस को तो बहुत ज्यादा बताया कि G20 में ये अच्छा हुआ, सौ से ज्यादा स्टेटमेंट्स इशू हुए, ठीक है ना, कंसेंसस जो है वो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन कंसेंसस के साथ जो है वो अचीव हो पाई। लेकिन ऑथर ने वहीं पे ये भी कहा है कि द यूफोरिया अबाउट द G20 आउटकम अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी नीड्स टू बी टेम्पर्ड गिवन द मैनी डार्क क्लाउड्स ऑन द ग्लोबल हॉरिजन। तो ग्लोबल हॉरिजन पे जो बहुत सारे और डार्क क्लाउड्स जो है उनको ध्यान में रखते जो हमें वो देखना पड़ेगा। तो ऑथर यहाँ पे बोले द डिफरेंस बिटवीन द टू डिक्लेरेशन इज दैट वाइल बाली वाज एक्यूलेटरी इन टोन न्यू दिल्ली सोट ए रेजोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो यूक्रेन और रशिया के अगेंस्ट जो रशियन का जो इन्वेजन था उसके कारण था कि बाली में जो है उसको एक्यूज किया गया था रशिया को कि भाई उन्होंने जो है गिल्टी बताया था रशिया को एक तरह से, लेकिन न्यू दिल्ली में जो है वो उससे थोड़ा सा हटके जो है एक जो दिया है वो ये कि रेजोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जाए कॉन्फ्लिक्ट के लिए। ठीक है ना, चाइना का परसेप्शन देखें तो चाइना माइट हैव वेलकम्ड द दिल्ली डिक्लेरेशन बट देयर इज इनहेरेंट फॉरबोडिंग इन इट्स अफर्मेशन दैट G20 वाज इंटेंडेड टू बी अ फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड नॉट ए प्लेटफॉर्म फॉर रिजॉल्विंग जियोपॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इश्यूज। तो वही है कि चाइना ने बिल्कुल दिल्ली डिक्लेरेशन को बेसिक वेलकम किया, लेकिन वही है कि वो फिर भी जो चाइना का अफर्मेशन है वो यही है कि जो G20 है उसको एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की तरह फोरम के तरह ही देखना चाहिए, उसको जियोपॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इश्यूज को रिजोल्व करने का प्लेटफॉर्म नहीं देखना, नहीं बनाना चाहिए, ना ही उसको ऐसे लेना चाहिए। ठीक है ना, तो जो एक तरह से पोलैरिटी जो आ रही है वो फिर से दोबारा से बाइपोलर या ब्लॉक्स के में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है वर्ल्ड। तो उसके रिगार्डिंग ऑथर ने बोला कि वेस्ट कैन पॉसिबली लिव विद द सिचुएशन इन विच सेवरल ऑफ इट्स स्ट्रेटेजी कंटेंट चाइना हैव फेल्ड इंडिया कैन नॉट। तो वेस्ट इन पॉलिसी के साथ चल सकता है, स्ट्रेटेजी के साथ चल सकता है जहां पे वो चाइना को कंटेन करने की बात करेगा, लेकिन इंडिया नहीं कर सकता। उसके दो एस्पेक्ट हैं, एक तो जो वेस्ट का एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंडियाज ग्रोइंग इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द क्वाड विच इज नाउ ओपनली एक्सेप्टेड एज ए की ग्रुपिंग इन द एंटी चाइना फैलेंग्स कॉल फॉर अबंडेंट कॉशन ऑन द इंडियाज पार्ट सिंस चाइना इज अनलाइकली टू टेक काइंडली टू आइदर। इंडिया को जो है कॉशियस रहना पड़ेगा, ये दोनों ही एस्पेक्ट्स जो है उनको चाइना जो है वो मतलब फेवरेबली नहीं लेने वाला है। ठीक है ना, रिटर्न ऑफ टू ब्लॉक्स की बात की है फिर से ऑथर ने कि भाई फिर से ब्लॉकिंग देखने को मिल रही है। तो जो G20 का करेक्टर है वो धीरे धीरे रिसेंटेस्ट में चेंज होते हुए देखने मिला है। अगर 2008 की बात करें, 2008-09 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी तो वहाँ पे जो लीडिंग इकोनॉमीज थी दे ट्राइड टू फाइंड वेज एंड मींस टू प्रिवेंट द वर्ल्ड फ्रॉम प्लंजिंग इनटू अ प्रोलॉन्ग इकोनॉमिक क्राइसिस। तो वहाँ पे इकोनॉमिक एक तरह से कॉपरेशन का रोल इसने देखा है, लेकिन जो रिसेंट ईयर्स में देखें तो मेन फोकस जो G20 का हो गया हैज बीन ऑन ग्लोबल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड लेस ऑन द नेचर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप। तो ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप पे कम उसका रोल हो गया, ग्लोबल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्यूशन में या उनके ऊपर व्यूज पे जो है वो ज्यादा इसका एक तरह से रोल अब जो रिसेंट ईयर्स में वो हो गया है। ठीक है ना, द टू कैंप्स वन लेड बाय द वेस्ट एंड द अदर बाय द चाइना रशिया हैव ऑलरेडी अर्न द सोब्रिकेट ऑफ एंड्यूरिंग राइवल्स इंगेज्ड इन अ बैटल ऑफ ग्लोबल सुप्रीमेसी। तो ये दो ब्लॉक जो एक तरह दो कैंप अलग अलग जो तैयार हो रहे हैं, एक जो वेस्ट लीड करता है और दूसरा जो चाइना रशिया लीड कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनसे जो है एक तरह से ब्लॉकिंग या पोलैरिटी जो है वो देखने को मिल रही है। तो उसमें ब्लॉक के रिगार्डिंग वो बोला कि नाटो का इशू देख लीजिए आप, यूक्रेन रशिया की क्राइसिस देख लीजिए आप, जो वार है वहाँ पे चल रही है ना, नाटो के जो ज़्यादा मेंबर जो हो गए हैं वो ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगे यूएस पे मिलिट्री सप्लाई के लिए वो कैपेबिलिटीज के लिए, वहीं जो रशिया का एक्सपेंशनिज्म वाले उसके अगेंस्ट एक तरह से जा रहे हैं वो। ठीक है ना, और इसी तरह से रशिया और चाइना को देखें तो उन्होंने भी अपनी टाइज जो है वो डीपन किए हैं। वहीं जो नॉर्थ कोरिया वो भी इस ब्लॉक के साथ में आने लगा है, धीरे धीरे देखने को मिलता है कि जो फिर चाइना का जो एक्सप्लोइटेशन है फ्रंटेज कर रहा है वो पैसिफिक ओशन में, जो यूएस को ओपनली नेवल पावर को चैलेंज कर रहा है,
फिर रशिया और तुर्की जो है वो भी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब सारे के सारे यही है, जो साइंस है वो ये है कि कहीं ना कहीं ब्लॉक फॉर्मेशन की तरफ ज्यादा चीजें जा रही हैं, पोलैरिटी की तरफ जा रही है, ठीक है ना। और जो नॉन अलाइनमेंट है वो फेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इट इज प्रूविंग इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर कंट्रीज टू रिमेन नॉन अलाइंड इन द ट्रूएस्ट सेंस ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड तो ट्रूएस्ट सेंस में देखे तो जो नॉन अलाइंड है वो रह ही नहीं गया, किसी न किसी तरह से झुकाव जरूर देखने को मिल रहा है। गिवन द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रिलेशनशिप एंड द लेटेस्ट वर्क ऑफ सिक्योरिटी एग्रीमेंट दैट हैव इमर्ज्ड द स्पेस फॉर नॉन अलाइनमेंट हैज ड्रामेटिकली श्रिंक और धीरे धीरे जो स्पेस है नॉन अलाइनमेंट के लिए वो धीरे धीरे हमें श्रिंक होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। क्योंकि जो रिलेशनशिप है उसकी बहुत ज्यादा मल्टीप्लिसिटी बढ़ गई है और जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स है वो भी इस तरीके से हैं कि आपको एक तरह से किसी ना किसी ब्लॉक की तरफ आपको झुकना ही पड़ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन अ की येट मिस डेमोग्राफिक इन एआई रेगुलेशन। तो जो एआई रेगुलेशंस हैं उसमें चिल्ड्रन एक तरह से चिल्ड्रन के रिगार्डिंग जो इश्यूज हैं या चिल्ड्रन से रिलेटेड जो इश्यूज है वो कहीं ना कहीं अनएड्रेस रह जाते हैं, उसके रिगार्डिंग आर्टिकल है। इंडिया इज टू होस्ट द फर्स्ट एवर ग्लोबल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिस अक्टूबर। अक्टूबर में हम लोग जो ग्लोबल समिट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो होस्ट करने वाले हैं और फिर उसके बाद दिसंबर में जो है वो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चेयर इंडिया के पास है, तो इसलिए इंडिया जो है उसको भी जो ग्लोबल समिट को होस्ट करेगा दिसंबर में। तो ये दोनों अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास जहाँ पे वो इन इशूज को एड्रेस कर सकता है। तो गवर्नेंस चैलेंज की सबसे पहले बात की होता है, रेगुलेशन विल हैव टू अलाइन इंसेंटिव्स टू रिड्यूस इशूज ऑफ एडिक्शन मेंटल हेल्थ एंड ओवरऑल सेफ्टी। कि इनके लिए जरूरत है कि आपको इस चीज़ों पर रेगुलेशन लाने पड़ेगी, आप एडिक्शन ना हो, मेंटल हेल्थ जो इफेक्ट ना हो और ओवरऑल जो सेफ्टी है वो भी जो है वो बनी रहे। इन एब्सेंस ऑफ दैट डाटा हैंगरी एआई बेस्ड डिजिटल सर्विसेज कैन रेडिली डिप्लॉय ओपेक एल्गोरिथम्स एंड डार्क पैटर्न्स टू एक्सप्लॉइट इंप्रेशनेबल यंग पीपल। तो इन सब की एब्सेंस में आपके पास रेगुलेशंस नहीं है, मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग कोई नहीं, एडिक्शन के आपको चांस है जो, ओवरऑल सेफ्टी की बात नहीं, तो इन सब के लैक में जो है जो डिजिटल सर्विसेज हैं वो जाहिर सी बात है कि जो डार्क पैटर्न्स हैं या जो ओपेक एल्गोरिथम्स हैं वो उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, किसको, यंग माइंड्स को, यंग लोगों को, बच्चों को, चिल्ड्रन को, ठीक है ना। और कुछ बहुत सारे इश्यूज भी बताए जैसे कि बॉडी इमेज इश्यूज जो है, मिस इन्फॉर्मेशन है, रेडिकलाइजेशन है, साइबर बुलिंग है, सेक्सुअल ग्रूमिंग है और डॉक्सिंग है, ये सारे इश्यूज हैं या थ्रेट्स हैं जो इमर्ज हुई हैं एआई के, एआई से, ठीक है ना। द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ डिजिटल नागरिक मस्ट ऑल्सो ग्रैपल विद द इनडायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ देयर फैमिलीज ऑनलाइन एक्टिविटीज। और कहीं ना कहीं ये तो डायरेक्ट वाले थे, इनडायरेक्ट इफेक्ट्स भी हैं जिन्होंने ज्यादा मतलब और ज्यादा चैलेंजिंग बना रखा है, जिन्होंने इनको जकड़ रखा है, ठीक है ना। वाइल मूविंग इन टू एडोलिसेंस वी मस्ट एक्विप यंग पीपल विद टूल्स टू मैनेज द अनइंटेंडेड कंसीक्वेंसेस। और जब एडोलिसेंस में जा रहे हैं तो हमारे पास जो यंग पीपल हैं उनको हमें टूल्स देने चाहिए कि वो जो अनइंटेंडेड कंसिक्वेंस हैं उनके उनको मैनेज कर सकें, ठीक है ना, ये जो सारे इशूज बताए थे उन सबसे एक तरह से बच सकें। ए आई पावर्ड डीप फेक कैपेबिलिटीज कैन बी मिस यूज टू टारगेट यंग पीपल वेर इन बैड एक्टर्स क्रिएट मॉब सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेड डिपिक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूट देम ऑनलाइन। ये सब जानते हैं हम कि कई बार क्या होता है जो डीप फेक्स है उनको यूज किया जाता है और एक तरह से मॉब सेक्सुअली इमेजेस बना दी जाती हैं और फिर जो है जो उनको डिस्ट्रीब्यूशन ऑनलाइन किया जाता है, जिस तरह एक तरह से उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बोल सकते हैं उनको हो सकता है, या फिर यंग पीपल को एक तरह से टार्निश किया जा रहा है उनकी इमेज को, उनको एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, उनका मिसयूज हो रहा है, ठीक है ना, ऑनलाइन कंटेंट जो अवेलेबल है उसका। शिफ्टिंग द एम्फेसिस, तो इंटरनेशनल इंडिया के लिए उसने बोला कि इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव जो है उनको यूज किया जा सकता है, उनको एक तरह से टेम्पलेट की तरह यूज कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। तो इंडियन रेगुलेशन टू आइडेंटिफाई स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स दैट फैसिलिटेट सेफर एआई डेवलपमेंट, तो इंडिया उनको यूज कर सकता है। इसमें सबसे पहले उसने बताया यूनिसेफ की जो गाइडेंस है फॉर पॉलिसी मेकर्स ऑन एआई एंड चिल्ड्रन आइडेंटिफाइज 9 रिक्वायरमेंट्स फॉर चिल्ड्रन चाइल्ड सेंटर्ड एआई विच ड्रोज ऑन द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। इंडिया इसका सिग्नेटरी है, तो वहाँ पे गाइडेंस जो है वो 9 अलग अलग उसमें थे एंड इट एम्स टू क्रिएट एन एनेबलिंग एनवायरमेंट विच प्रमोट चिल्ड्रंस वेलबींग, इंक्लूजन, फेयरनेस, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी, एक्सप्लेनेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, इन सब चीज़ों को वो एड्रेस करने का काम करता है, इन सब चीज़ों को प्रमोट करने का काम करता है, तो इसको फॉलो किया जा सकता है। दूसरा की फीचर जो है सक्सेसफुल रेगुलेशन का विल बी द एबिलिटी टू अडेप्ट टू द वेराइंग डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट एज ग्रुप्स, ठीक है ना। इसमें उसने एग्जांपल दिया कैलिफोर्निया का जो एज अप्रोप्रिएट डिजाइन है कोड एक्ट है उसको दिया है, यहाँ पे कोई उसको देखा जा सकता है। तो उसमें अलग अलग चीजें हैं कि जो एंश्योर करेगा ट्रांसपेरेंसी को कि डिजिटल सर्विसेज जो कन्फिगर डिफॉल्ट प्राइवेसी सेटिंग्स रहेंगी, उसमें एसेस वेदर एल्गोरिथम्स डाटा कलेक्शन और टारगेट एडवर्टाइजिंग सिस्टम्स हार्म चिल्ड्रन
और यूज क्लियर एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज फॉर यूजर फेसिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी प्रोविजंस में है। तो इंडियन अथॉरिटी जो है वो उनको एनकरेज करना चाहिए रिसर्च को विच कलेक्ट्स एविडेंस ऑन द बेनिफिट्स एंड रिस्क ऑफ द एआई फॉर इंडिया चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। ये जो इंडिया के चिल्ड्रन है या एडोलेसेंट्स है उनके रिगार्डिंग जो रिसर्च हो रही है उनके लिए एविडेंस दें कि क्या चीजें उनको बेनिफिट रहने वाली है और क्या क्या रिस्क हैं जो एआई में है जो कि एड्रेस करने की जरूरत है। तो ये एक सर्व कर सकता है जो डिजाइन कोड है इंडिया के इस लिए, ठीक है ना। तीसरा जो ऑथर ने बताया वो बताया बेटर इंस्टीट्यूशंस विल हेल्प शिफ्ट रेगुलेशन अवे फ्रॉम द टॉप डाउन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स विच प्लेस अनड्यू बर्डन ऑन पेरेंट्स। कि जो पेरेंट्स पे अनड्यू बर्डन डाला जाता है तो जो इंस्टीट्यूशंस अगर आप बेटर रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे आपको कि जो टॉप डाउन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है उस तरह की अप्रोच जो है वहां पे लाने की जरूरत है, ठीक है ना। तो इसमें ऑथर ने जो एग्जांपल दिया वो दिया ऑस्ट्रेलिया की जो ऑनलाइन सेफ्टी यूथ एडवाइजरी काउंसिल है उसका एग्जांपल दिया है कि ये एक अप्रोच हो सकती है अच्छी, जहाँ पे जो पीपल हैं वो पहले से 24 साल की एज जो है वो लोग इस एज के जो वो ले रखे हैं लोग और उनसे जो है एक तरह से उनको मेन जो है उनका मतलब उनका इनपुट्स लिए जाते हैं, उनसे पूछा जाता है, उनके व्यूज लिए जाते हैं। तो इस तरह का इस इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में भी वो बना सकते हैं। द फास्ट इवॉल्विंग नेचर ऑफ एआई मींस दैट रेगुलेशन शुड अवॉइड प्रेस्क्रिप्शन एंड इंस्टेड एम्ब्रेस स्टैंडर्ड्स। ये आपको सिर्फ जो प्रेस्क्राइब कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है, आपको एम्ब्रेस करना पड़ेगा स्टैंडर्ड्स को, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे और बेस्ट प्रैक्टिस जो हैं जो ओपननेस लाएं, जो ट्रस्ट बिल्ड करें, जो अकाउंटेबिलिटी तय करें, वो सारी चीजें आपको उसमें इंकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। द इंटरेस्ट ऑफ आवर यंग सिटीजन्स मस्ट बी फ्रंट एंड सेंटर। और सबसे पहले आपको जो यंग पीपल है, जो यंग पॉपुलेशन, जो चिल्ड्रंस है, उनके इशूज को सबसे पहले आपको सेंटर में रखना पड़ेगा, फ्रंट में रखना पड़ेगा, बाकी चीजों को आपको साइडलाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। यस, नेक्स्ट इज इट्स अ लॉन्ग रोड टू वुमेन्स इक्वालिटी। तो जो वुमेन्स को रिजर्वेशन बिल दिया गया है तो उसके लिए ये जरूर बोले क्योंकि टाइम लाइन बहुत लंबी रख दी गई है कि अभी वो इम्प्लीमेंटेशन में अभी से नहीं आएगा, जो नेक्स्ट सेंसस हो जाएगा उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में आएगा। तो व्हाइल देयर वाज ग्रोइंग सपोर्ट फॉर वुमेन्स रिजर्वेशन एज एन आइडिया, क्वेश्चन सच एज द इलेक्टोरल डिसएडवांटेज ओबीसी वुमेन पिटेड अगेंस्ट अपर कास्ट वुमेन डिड नॉट फाइंड रेजोनेंस। तो एक तो ये रहा है कि इसमें जो ओबीसी वुमेन को डिसएडवांटेजेस हैं उनको नहीं मिला है कि, तो ये मतलब इसमें यही साइड किया गया कि यही ये बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो अपर कास्ट वुमेन सिर्फ उनको ही इसका बेनिफिट मिलेगा। फिर दूसरा जो है इट इज इम्पेरेटिव दैट द रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर वुमेन रिकॉग्नाइज द मल्टीपल एंड अनइक्वल फॉर्म्स दैट पैट्रियार्की टेक्स इन एक्सक्लूडिंग वुमेन फ्रॉम पब्लिक लाइफ। तो इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू गार्ड अगेंस्ट द आइडिया दैट द मियर प्रेजेंस ऑफ वुमेन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स विल ट्रांसलेट इनटू वुमेन्स इक्वलिटी एंड फ्रीडम। तो यहाँ पे ये भी है कि आपको ये भी ध्यान रखना कि सिर्फ आइडिया जो आपने दिया है कि वुमेन की प्रेजेंस होनी चाहिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, सिर्फ वो नहीं होना चाहिए, आइडिया नहीं होना चाहिए, सिर्फ उसको ट्रांसलेट होना चाहिए कि जो वुमेन्स को इक्वालिटी और फ्रीडम है वो एक्चुअल में अचीव कर पाए और उसमें एक्चुअल में कुछ उस फील्ड पे काम हो। गिवन द करंट आइडियोलॉजिकल क्लाइमेट द न्यू लॉ इज नॉट एन अचीवमेंट बट अ चैलेंज। और इसको ध्यान में रखते हुए ऑथर ने बोला कि जो नया लॉ है वो एक अचीवमेंट नहीं है, वो एक चैलेंज के रूप में देखना चाहिए हमें। और जो ये लॉन्ग वेटिंग पीरियड है जब ये इफेक्ट में आने वाला है तो इट शुड बी अ टाइम फॉर री एग्जामिनिंग अवर आइडियाज एंड बिलीव्स अबाउट हाउ द इलेक्टोरल प्रेजेंस ऑफ वुमेन माइट ट्रांसलेट इनटू अ मोर इजलिटेरियन लेस हेट फील्ड इथोस। और इस पीरियड को हमें री एग्जामिन करने के लिए यूज करना चाहिए अपने आइडियाज को, अपनी बिलीव्स को, कि जो इलेक्टोरल प्रेजेंस है वुमेन की वो कैसे ट्रांसलेट हो पाएगी एक तरह से एक ज्यादा इजलिटेरियन सोसाइटी को डेवलप करने में। और जो भी हेट फील्ड इथोस हैं जहाँ पे वुमेन को एक एक तरह से थोड़ा डाउन उस वे में देखा जाता है, उसको किस तरीके से उन्हें थॉट्स को उनको हेट फील्ड थॉट्स को कैसे चेंज किया जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइम को जो है वो यूज करना चाहिए। डाटा पॉइंट में आ जाए ओवर 60% अर्बन किड्स स्पेंड 3 आवर डेली ऑन एंटरटेनमेंट ऐप। तो ये जहाँ पे जो है लोकल सर्कल्स ने जो है एक कंडक्ट किया था सर्वे उसमें ये डाटा दिया 60% अर्बन इंडियन पेरेंट्स है वो ये कहते हैं कि दियर चिल्ड्रन आर एडिक्टेड टू सोशल मीडिया ओटीटी एंड ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म। तो ह्यूज नंबर है, 61% लोग लगभग ये कह रहे हैं। तो हालांकि इसमें जो इन टोटल देखें तो यहाँ पे 12,107 रेस्पोंडेंट्स को अगर देखें तो उनमें से 37% ने हाईलाइट किया है कि उनके चिल्ड्रन जो है मोस्टली जो है वो वीडियो वॉच करते हैं या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जैसे यूट्यूब प्राइम वीडियो नेटफ्लिक्स पे। वहीं 35% ने पॉइंट ये किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम में, व्हाट्सअप, स्नैपचैट, बी रियल, और 33% ने आइडेंटिफाई किया ऑनलाइन गेमिंग के लिए जैसे माइनक्राफ्ट है, पबजी, फ्रंटनाइट, फोर्टनाइट हो गया, और अमंग यूएस और फीफा, फैंटेसी स्पोर्ट इस तरह के। और 10% जो सिलेक्टेड हैं अदर ऑनलाइन एक्टिविटीज के लिए उन्होंने बोला है, और 2% ये बोला है कि वो श्योर नहीं है कि किस लिए वो यूज़
करते हैं। स्मॉल प्रोपोर्शन बहुत ही, जो 8% है, उन्होंने ये बोला है कि उनके चिल्ड्रन जो है वो नॉट एडिक्टेड है एनी ऑफ द अफॉरमेंशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन गेम्स या एंटरटेनमेंट। तो केवल 8% लोगों ने ही शोर्टी के साथ ये बोला है कि उनके बच्चे जो है एडिक्टेड नहीं है। अमंग द 11,697 रेस्पोंडेंट 39% ने मेंशन किया है एग्रेशन एज एन इम्पैक्ट, ठीक है ना, कि एग्रेशन जो है बच्चों में आ गया है। और 37% ने बोला है कि इंपेशेंस आ गया बच्चों में। 27% ने नोट किया कि लेथार्जी हुई है बच्चों में, सुस्ती आ गई है। 25% ने बोला है कि उनके चिल्ड्रन जो है हाइपर एक्टिव हो गए हैं। और 22% ने रिपोर्ट किया कि डिप्रेशन जो है उनके बच्चों में देखने को मिला है। तो ये सारे कंसर्न्स के विषय हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। और केवल 10% पेरेंट जो है उन्होंने ये कहा कि चिल्ड्रन हैड बिकम मोर सोशल एंड 8% रिपोर्ट दैट चिल्ड्रन वर हैप्पियर। केवल 8% ने रिपोर्ट किया उनके बच्चे पहले से ज्यादा खुश हो गए, 10% ने बोला कि उनके बच्चे ज्यादा सोशल हो गए हैं, बाकी सब ने जो है वही बोला है। तो 2% इंडिकेटेड दैट देयर चिल्ड्रन वर नॉट इंपैक्टेड, केवल 2% ने बोला कि कोई प्रभाव उनके बच्चों पे नहीं पड़ा है, ठीक है ना। ऑफ द 11,798 रिप्लाई 73% एम्फेसाइज दैट नीड फॉर पेरेंटल परमिशन, 73% लोगों का मानना है कि पेरेंटल परमिशन की जरूरत होनी चाहिए। 13% ये लोग बिलीव करते हैं कि मिनिमम एज जो है इंडिपेंडेंट एक्सेस की रखनी चाहिए वो 15 साल रखनी चाहिए कम से कम। और 9% ये करते हैं कि जो मिनिमम एज है वो 13 रखनी चाहिए फॉर ज्वाइनिंग विदाउट कंसेंट वाज एप्रोप्रिएट, ठीक है ना। तो ये सारा डाटा था जो रिगार्डिंग ऑनलाइन जो एक्सेस है उसके रिगार्डिंग था, जो ऑनलाइन जो यूज हो रहा है, जो चिल्ड्रन एंगेज हैं उसके रिगार्डिंग ये डाटा था। द कावेरी वाटर कनेंड्रम, अभी हमने आज बात की कि कावेरी वाटर के इशू रिगार्डिंग इशू चल रहा है। सितंबर 21 को जो सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को बोला था कि कंटिन्यू करे रिलीज करना 5,000 क्यूबिक फीट पर सेकेंड क्यूसेक्स ऑफ वाटर फ्रॉम द कावेरी रिवर टू तमिलनाडु फॉर 15 दिन, और वो 27 तारीख को एंड होने वाला था, ठीक है ना। कावेरी वाटर का शेयर देखें तो 2007 में जो है फाइनल अवार्ड दिया था कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था फिर फरवरी 2018 में, जिसमें जो है सिस्टम बताया गया था कि शेयरिंग रिवर वाटर की कैसे होगी और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म तैयार की थी फॉर एंश्योरिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ द जुडिशियल वर्डिक्ट, और कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो वहाँ पे बनाई गई थी। टोटल अगर देखें तो 740,000 मिलियन क्यूबिक फुट जो है वो वाटर है अवेलेबल है कावेरी बेसिन में नॉर्मल ईयर में। और जो इसमें से शेयर की बात करें तो जो कर्नाटक का शेयर है वो 284.75 टीएमसी फिट है, तमिलनाडु का 404.25 टीएमसी फिट है, केरल का 30 टीएमसी फिट है, और वहीं पुडुचेरी का 7 टीएमसी फिट है। और 10 टीएमसी फिट और 4 टीएमसी फिट जो है वो सेट अपार्ट रखा गया था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए और इनएविटेबल एस्केपेजेस के लिए इनटू द सी। तो ये सारा बंटवारा जो है टोटल किया गया था। वहीं पे कर्नाटक ने जो सुप्रीम कोर्ट को बोला है वो ये बोला है कि द डेली फ्लो ऑफ 5,000 क्यूसेक ऑफ वाटर टू तमिलनाडु वाज अगेंस्ट इट्स इंटरेस्ट, उसने अपने इंटरेस्ट से बताया क्योंकि ये डिस्ट्रेस ईयर है। द स्टेट स्पेशली इन अर्बन एरियाज लाइक बेंगलुरु वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ ए ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस, और ये बोला कि जो अर्बन एरियाज है जैसे बेंगलुरु वगैरह तो वहां पे तो ऑलरेडी ड्रिंकिंग वाटर की भी क्राइसिस चल रही है, जबकि तमिलनाडु ने ये बोला कि तमिलनाडु इज इन द नीड ऑफ वाटर फॉर एटलीस्ट 3 लाख एकड़ ओवर विच अ शॉर्ट टर्म क्रॉप कुरुवाई हैज बीन रेज्ड। तो तमिलनाडु ये बोला है कि भाई 3 लाख एकड़ पे जो है उसको जरूरत है पानी की, क्योंकि उसकी जो शॉर्ट टर्म क्रॉप है वो उस पर हुई है। ऑलरेडी देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ द क्रॉप बीइंग एट रिस्क ऑफ विदरिंग इन मेनी प्लेसेस, कई जगह पे तो ये भी है कि क्रॉप जो है विदर्ड हो गई है, तो ये भी इशू है। वे फॉरवर्ड में ऑथर ने यह बताया कि वही जो हमने पहले भी डिस्कस किया, इट इज टाइम जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है अलॉन्ग विद द कॉन्स्टिट्यूएंट्स फाइनलाइज डिस्ट्रेस शेयरिंग फॉर्मूला, एक फाइनलाइज करे जो परमानेंट नेचर का और जो सभी को एक्सेप्टेबल हो, ठीक है ना। नेक्स्ट इज व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट पैनल ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो जो पार्लियामेंट ने पैनल जो हेड किया था उस पर क्या व्यूज है। तो ये पार्लियामेंट ने स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन जो है वो अपॉइंट की थी, और उसके जो हेड थे वो थे विवेक ठाकुर जी, ठीक है ना। तो उन्होंने जो है रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट में टेबल की थी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन हायर एजुकेशन। रिपोर्ट क्या कहते हैं, द रिपोर्ट लुक्ड एट द सेलियंट फीचर्स ऑफ द एनईपी इम्प्लीमेंटेशन इन द हायर एजुकेशन सेक्टर एंड द प्रोग्रेस मेड सो फार, तो उसने जो इम्प्लीमेंटेशन होना है हायर एजुकेशन पॉलिसी उसके जो फीचर्स हैं उन पे और जो प्रोग्रेस अभी तक हुई है उसके रिगार्डिंग जो है रिपोर्ट ने जो है वो मेनली किया है। तो जो रिपोर्ट में ये बताया कि जो इम्पोर्टेंस है स्टेट का वो ज़्यादा बताया हायर एजुकेशन में, क्योंकि केवल 6% जो लोग हैं पॉपुलेशन है वो सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, बाकी के जो हैं वो स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्हीं में एनरोल्ड हैं, ठीक है ना। जो 31 मेंबर का पैनल था ट्राई टू डिस्कस इशू सच एज द रिजिड सेपरेशन ऑफ डिसिप्लिन, लिमिटेड एक्सेस टू हायर एजुकेशन इन सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज एरिया एक्सेट्रा। तो जो 31 मेंबर का पैनल था इसने जो मेनली इशू डिस्कस किए थे वो ये था कि जो डिसिप्लिन से उनका रिजिड सेपरेशन है कि नहीं, जो हायर एजुकेशन की लिमिटेड एक्सेस है सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शन के लिए, वो सब इशूज जो है इसने एक तरह से डिस्कस किया था।
पैनल ने क्या कहा है, इंडियन इंस्टीट्यूशन वर लाइकली टू फेस सेवरल इश्यूज इन इंप्लीमेंटिंग द मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट सिस्टम। और मेमे के रिगार्डिंग उसने ये भी बोला है कि मेमे इज नॉट सूटेबल फॉर इंडिया, क्योंकि वहां पे उनके लिए इश्यूज होने वाले हैं। मेमे के रिगार्डिंग उसने बोली है तो अगर इंस्टीट्यूशंस अलाउ करेंगे मेमे को मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द इंस्टीट्यूशंस टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी स्टूडेंट्स वुड एग्जिट एंड हाउ मेनी वुड ज्वाइन मिडवे। मिडवे में कितने बच्चे एग्जिट कर रहे हैं, कितने बच्चे आ रहे हैं, वो डाटा रखना डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरा, क्योंकि जो पुपिल टीचर रेशो है उसका जो है वो डिस्टर्बेंस हो जाएगी उसमें, और उसको भी आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और उसके बताने जो है वो भी एक तरह से आप एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे कि आप पुपिल टीचर रेशो रहा है, ठीक है ना। फिर रिकमेंडेशन क्या कहती, तो एक करके देख लेते हैं। पहला तो ये बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला है टू टेक एक्शन सच एज ईयर मार्किंग सूटेबल फंड्स फॉर द एजुकेशन ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। जो सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप है उनके लिए आपको ईयर मार्क करने पड़ेंगे सूटेबल फंड, ताकि उनकी एजुकेशन नीड्स जो है वो एड्रेस हो सके। दूसरा बोला है सेटिंग क्लियर टारगेट्स फॉर हायर ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो फॉर एसडीज, और इस ग्रुप के लिए जो आपको हायर ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो के टारगेट रखने पड़ेंगे। तीसरा बोला है एनहांसिंग जेंडर बैलेंस इन एडमिशन टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जेंडर बैलेंस को रखना है। प्रोवाइडिंग मोर फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड स्कॉलरशिप टू एसडी इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एचआई, उनके जो फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है ना, दोनों ही पब्लिक और प्राइवेट जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दोनों में ही। फिर एडमिशन प्रोसेस और करिकुलम को जो है मोर इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा, ताकि उनके डिमांड्स उनके लिए वो ज्यादा इंक्लूसिव रहे, उनके इशूज जो है वो एड्रेस हो सके। फिर बोला है इंक्रीजिंग एम्प्लॉयबिलिटी पोटेंशियल ऑफ हायर एजुकेशन प्रोग्राम एंड फॉर डेवलपिंग मोर डिग्री कोर्सेज टॉट इन रीजनल लैंग्वेज एंड बाइलिंगुअली, और जो लैंग्वेज है उसका भी बोला है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो है डिग्री कोर्सेज को जो है रीजनल लैंग्वेज और बाइलिंगुअल रखना पड़ेगा आपको, ताकि वो उनके पास ऑप्शन रहे कि वो कौन सी चूज करेंगे। फिर साथ में ये भी रिकमेंड किया है स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेप्स टू हेल्प फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स एंड अ स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ ऑल नो डिस्क्रिमिनेशन एंड एंटी हैरेसमेंट रूल्स, की सारी चीजें आपको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आपको अच्छा रखना पड़ेगा, जो फिजिकल चैलेंज स्टूडेंट के लिए स्टाफ इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेंडली हो उनके प्रति, ठीक है ना, और आपको जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना है, और जो हैरेसमेंट है वो भी आपको बिल्कुल अपोज में रखना है। तो ये सारी चीजें जो कमेटी ने वो रिकमेंड की है रिपोर्ट में जो है वो बताया गया है, ठीक है ना। मेमे के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया है। नेक्स्ट इज व्हाई द नॉर्थ ईस्ट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए सिंगल होमोजीनियस टेरिटरी। तो बेसिकली उसने कहा है जो स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम और त्रिपुरा की आर होम टू न्यूमरस एथनिक कम्युनिटीज, ऐसा नहीं कि वहाँ पे कि होमोजीनियस ग्रुप रहता है, वहाँ पे ये न्यूमरस एथनिक कम्युनिटीज वहाँ पे रहती हैं, हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑफ द कंपास एंड देयर हेट्रोजीनिटी एंड डिफरिंग एक्सपीरियंस मस्ट बी हाईलाइटेड, कि उनके जो अलग अलग एक्सपीरियंस है उनकी जो हेट्रोजीनिटी है उनको जो हाईलाइट करने की जरूरत है, उनको एक हेट्रोजीनियस ग्रुप के तरह देखना चाहिए, उनको होमोजीनियस टेरिटरी के रूप में नहीं देखना चाहिए, ठीक है ना। तो मेजोरिटी ऑफ देम जो है वो इंडो चाइनीज मंगोलॉइड रेशियल ग्रुप को बिलोंग करते हैं। द टेंडेंसी ऑफ कंसेप्टलाइजिंग द रीजन एज ए सिंगल होमोजीनियस मेजोरिटी इज ए प्रॉब्लमेटिक, और आप एक सिंगल होमोजीनियस ग्रुप की तरह टेरिटरी को उसको देखते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन को, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि वो कोई सिंगल एंटिटी नहीं है। द नॉर्थ ईस्ट कंसिडर्ड अ मार्जिनल ज्योग्राफिकल स्पेस सेज सितलोव इज अ डाइवर्स एज इंडिया इटसेल्फ इन टर्म्स ऑफ लिंग्विस्टिक कल्चरल एंड एथनिक रिप्रेजेंटेशन, सिंगल एंटिटी नहीं है, बिल्कुल उतना ही डाइवर्स है जैसे कि इंडिया इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ कल्चर इन टर्म्स ऑफ एथनिक रिप्रेजेंटेशन, अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग कल्चर के और अलग अलग एथनिक कम्युनिटीज के लोग जो हैं इस रीजन में रहते हैं, तो उसको आप सिंगल एंटिटी नहीं मान सकते, ठीक है ना। सोशल रियलिटीज की भी बात करें तो ऑथर ने यह भी बोला है जो बैजबरुआ कमेटी जो है अपॉइंट की गई थी 2014 में टू लुक इन टू द वेरियस कंसर्न्स ऑफ द सिटीजन्स हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लिविंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो जो अलग अलग पार्ट्स में कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में जो नॉर्थ ईस्ट के लोग रह रहे हैं सिटीजन्स रह रहे हैं उनके क्या क्या कंसर्न्स हैं उनके क्या क्या इशूज हैं उसको लुक आफ्टर करने के लिए जो बैजबरुआ कमेटी जो है वो सेटअप की गई 2014 में, तो प्री के लिए आप याद रखेंगे। उसने रिकमेंड किया था कि रीचिंग आउट टू द पीपल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट वाया सोशल मीडिया एंड ए स्पेशल हेल्पलाइन 1093 वाज सिंक्रोनाइज्ड विद द हेल्पलाइन नंबर 101, तो 101 जो हेल्पलाइन है उसके साथ 1093 को जो है स्पेशल हेल्पलाइन को सिंक्रोनाइज किया गया था। वहीं इस कमेटी ने यह भी रिकमेंड किया था भाई कि आप इसको परमानेंट हेल्पलाइन बनाइए, ठीक है ना। फिर जो रिसर्च स्टूडेंट है उनकी अगर देखें तो एक रिसर्च स्टूडेंट ने ये भी हुआ है नोइंग द हिस्ट्री ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड टू बी मोर प्रेसाइज द फैक्ट दैट नॉर्थ ईस्ट इज इन इंडिया विल रियली हेल्प इन कनेक्टिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एज सिटीजन्स ऑफ वन नेशन, कि आप पहले नॉर्थ ईस्ट को जानिए, आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया की हिस्ट्री को जानिए, उसके प्रति ज्यादा एक एटीट्यूड आप अपना एटीट्यूडनल बिहेवियर चेंज लाइए, आप नॉर्थ ईस्ट को इंडिया ये मानिए कि नॉर्थ ईस्ट भी इंडिया में ही है, तब जाके आप जो सिटीजन्स हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स का डिफरेंट एरिया का उनको एक नेशन में जो है वो जोड़ सकते हैं, ये चीज़ जोड़ने का काम करेगी,
ठीक है ना। उसके बाद वुमेन्स के रिगार्डिंग भी बात की, जो कॉन्फ्लिक्ट रीजन है उनमें वुमेन काफी ज्यादा एक तरह से हैरेसमेंट फेस करते हैं, उसके रिगार्डिंग बोला है। तो वुमेन फेस परसिस्टिंग हेल्थ इश्यूज लाइक मेल न्यूट्रिशन, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस ऑन अदर इंजरी, तो ये तो है ही है। साथ में जो रिस्क है कम्युनिकेबल डिजीज को कॉन्ट्रैक्ट करने का वो भी बढ़ जाता है ड्यू टू वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, कंजेस्टेड लिविंग कंडीशन, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट हेल्थ केयर सर्विसेज। और यही सारे इश्यूज हमें अभी जो प्रेजेंट मणिपुर में कॉन्फ्लिक्ट था उसमें भी ये देखने को मिले हैं। तो जो प्रोसेस है मार्जिनलाइजेशन विद इन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है ना, वो ज्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। जो ट्राइबल बॉडीज है नागालैंड की, जो कि जिन्होंने पहले अपने दो वुमेन एमएलए को इलेक्ट किया था इस साल, वो अपोज करे थे। ये जो 33% रिजर्वेशन वुमेन को दिया गया था उसको उन्होंने अपोज किया था, और उन्होंने ये भी क्लेम किया दैट इट विल इन्फ्रिंज ऑन द नागा कस्टमरी लॉज प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, की कहीं ना कहीं ये अपोज कर रहा है नागा जो कस्टमरी लॉज है उनके अगेंस्ट जा रहा है। वहीं जो पॉपुलर नैरेटिव है जो कि ग्लोरीफाई करते हैं स्टेटस वुमेन इन द मणिपुर एंड द मैट्रियार्कल स्ट्रक्चर इन द खासी सोसाइटी को जो करते हैं, लेकिन अगर रियलिटी में देखें आप एक्चुअल लेवल पे देखें तो सिस्टम मैट्रियार्कल नहीं है, सिस्टम वहाँ पे केवल मैट्रिलिनियल है, जहाँ पे जो पावर है वो मैटरनल मेल के मेंबर्स को जो है वो चली जाती है। मतलब इनहेरेंटली पैट्रियार्कल जो लाइक है या माइंड सेट है वो वहाँ पे भी है जैसा कि बाकी सोसाइटी में है, तो सिर्फ मैट्रिलिनियल वहाँ पे है, मैट्रियार्कल नहीं है जिसको हम एक्चुअली ग्लोरीफाई करते हैं, ठीक है। तो दिस इज इट रिगार्डिंग टुडे डिस्कशन, होप आपको डिस्कशन पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये डिस्कशन अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। सो थैंक यू।